हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगीठेर सीबीगंज बरेली में। देखिए, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं नई एक्सरसाइज, जो कि यहाँ पर है आपके लिए 4.6। एक्सरसाइज 4.6 का क्या प्रश्न होंगे, कैसे प्रश्न होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है एक्सरसाइज 4.6 में। हम आपके लिए बताएंगे कि पहला प्रश्न क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर एक्सरसाइज 4.6 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें यह बताना है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। यदि ऐसा संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर मैं एक ऐसी यहाँ पर बनाना चाह रहा हूं, एक ऐसी आम की बगिया जिसमें आपके लिए ध्यान से सुनना, यह आम की बगिया हमने मान लिया, आम की बगिया, आम की बगिया ये मैंने मान लिया। अब आप यहां पर यह देखिए कि इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है। अगर इसकी लंबाई x है, अगर आप लंबाई यहां पर मान के चलेंगे चौड़ाई से दोगुनी, यानी अगर लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी, अगर चौड़ाई आप x मानिए तो लंबाई हो जाएगी 2x। कितनी हो जाएगी लंबाई, हो जाएगी आपके लिए 2x, यानी चौड़ाई से दोगुनी है लंबाई तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यानी इसका जो क्षेत्रफल है वो है 800 मीटर स्क्वायर। कितना है 800 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। आपके लिए लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है अगर संभव हो तब। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, क्षेत्रफल दिया गया 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल अगर 800 मीटर स्क्वायर आपके लिए दिया गया है और जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई हमने मान लिया जो है आपके लिए x है, तो लंबाई 2x है। अब लगा देते हैं फार्मूला। तो आप देखिए, ये आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर यह लंबाई गुणा चौड़ाई होता है तो आयत का क्षेत्रफल तो दिया गया 800 मीटर स्क्वायर, तो मैंने लिख लिया 800 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई का मान हो गया हमारे पास 2x और चौड़ाई का मान हो गया हमारे पास x। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर बराबर में 2x की गुणा x हो जाएगी, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहां पर x स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे 800 बटे में 2, 2 से इसको भाग कर दो, 2 चक्के 8 और ये 00, यानी x स्क्वायर बराबर आ गया आपके लिए 400। कितना आ गया, x स्क्वायर बराबर 400 आ गया। सिंपली अब आपके लिए क्या करना है, x का मान निकाल लेना, तो रूट के अंदर आ जाएगा 400 और 400 का जो वर्गमूल होता है वो 20 होता है। क्लियर है, 20 होता है, यानी x का मान 20 आ गया। अगर ये x का मान 20 आ गया है तो आपके लिए क्या करना है, अगर x का मान 20 आ गया तो आप यहां भी रख दो, यहां भी रख दो x का मान। तो देखिए, हम x का मान रख देते हैं, x का मान हमारे पास कितना है, यहां पर लंबाई है 2x, तो लंबाई 2x है, तो 2 गुणा x कर देंगे, यानी 2 गुणा x का मान हमारे पास आ चुका है 20, तो 20 आ गया, 20 दूना 40, 40 मीटर इसकी लंबाई होगी। इसी तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई आपके लिए निकल चुकी है x का मान ही चौड़ाई है इसके लिए, जो कि 20 मीटर आ गया है ना। तो यहाँ पर दोनों चीजें आ चुकी हैं, लंबाई और चौड़ाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपके लिए पहला प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मैंने सॉल्व करा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई जो हो वो चौड़ाई की दोगुनी हो। तो यहां पर पहला प्रश्न हमने आपके लिए करा दिया। अब बात करते हैं यहां पर दूसरे प्रश्न की। देखिए, मैं दूसरा प्रश्न आपके लिए कराने जा रहा हूं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न में आता है और ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, तो इसको ध्यान से आप सवाल को देखेंगे। लिखा है, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर बराबर है, यानी नाव की जो चाल है वो, नाव जो चल रही है, नाव की चाल ध्यान से सुनना 15 किलोमीटर बराबर है, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से यह चली जा रही है। अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली जा रही है, नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा 30 किलोमीटर आने में जो है वापस लौटने में कुल 4 घंटा 30 मिनट का समय लेती है। अब देखिए ध्यान से, नाव की चाल तो 15 किलोमीटर बराबर है, लेकिन जब पानी में आप जाओगे और आओगे तो उसकी चाल कैसे हो जाएगी नाव की चाल। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा
नाव की चाल मान के चलूं एक्स है, नाव की चाल धारा में, आप धारा में मानेंगे, धारा में नाव की चाल एक्स किलोमीटर पर आवर, धारा में नाव की चाल मानेंगे एक्स किलोमीटर पर आवर। इसी हिसाब से इसकी चाल कितनी हो जाएगी फिर, तो ये चाल हो जाएगी आपके लिए 15, इसमें जुड़ जाएगी जाने के लिए 15 प्लस एक्स हो जाएगी। और इसी तरीके से धारा में नाव की चाल दूसरी तरीके से आने में विपरीत दिशा में, धारा में नाव की चाल, नाव की चाल ठीक है, धारा में नाव की चाल कितनी हो जाएगी 15 माइनस एक्स, एक तो हो जाएगी 15 माइनस एक्स। अगर हम इनके लिए दोनों के लिए समय निकालेंगे तो 15 प्लस एक्स के लिए इसका समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी दूरी है 30 और बटे में चाल कितनी हो जाएगी 15 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। और दूसरे के लिए समय निकालेंगे इसके लिए तो समय हो जाएगा आपके लिए, दूरी वही रहेगी 30 किलोमीटर ही आना है और 15 माइनस एक्स यानी विपरीत दिशा में 15 माइनस एक्स आएगी। और कुल जो समय लग रहा है, टोटल कुल जो समय लग रहा है वो आपके लिए लग रहा है, कितना समय लग रहा है मैं आपके लिए बता देता हूँ, 4 घंटा 30 मिनट। तो समय हम लिख लेते हैं इसमें, कुल समय लग रहा है, समय जो है कुल समय 4 घंटा और 30 मिनट ये लग रहा है। तो हमें इसको समय को बदल लेना चाहिए, 4 घंटा तो ऐसे ही रखो, 30 मिनट जो लिखा है उसको बदल लो। तो 30 बटे में यहाँ पर ऐसे करेंगे प्लस 30 बटे में क्या करेंगे, 30 बटे 60 कर लेंगे, तो यहाँ पर 30 दूना 60 हो जाएगा यानी 1/2। तो 4 + 1/2 यानी 8 + 1/2 यानी 9/2, 9/2 टोटल घंटे हो जाएंगे यानी 9/2 घंटा हो जाएगा यहाँ पर, है ना। आपने बदल लिया 9/2 घंटे आने में और जाने में कुल समय लगता है। तो कुल अगर समय लग रहा है ये, तो आपके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों को जोड़ लेना पड़ेगा, समय समय को जोड़ लेते हैं। तो बचा हमारे पास 30 बटे 15 प्लस एक्स और यहाँ पर प्लस का 30 बटे 15 माइनस एक्स और बराबर में 9/2 हो जाएगा। अब इस समीकरण को जो बनी है समीकरण, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 30 को तो मैं एलसीएम ले रहा हूँ, 30 को मैं कॉमन ले ले रहा हूँ। अगर 30 को कॉमन ले लूँगा तो क्या हो जाएगा, आप देखिए 1/15 + x और प्लस का 1/15 - x हो जाएगा और बराबर में 9/2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, बस इसी कैलकुलेशन को आपके लिए सॉल्व करना है, द्विघात समीकरण को फिर चेक करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब आपके लिए ये वाली समीकरण है और इस समीकरण को हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्या है, 30 तो हमने कॉमन ले रखा है, तो 30 तो हम कॉमन ले रखे ही हैं, 1/15 + x मैं लिख लेता हूँ एक बार समीकरण को, और प्लस का 1/15 - x और ये बराबर में 9/2 हो गया। इस समीकरण को सॉल्व करना है, देखिए ध्यान से देखते जाएंगे, 30 तो हमारे पास है ही है, यहाँ पर 15 + x 15 - x आप एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 15 - x और प्लस का 15 + x और बटे में हो जाएगा 15 + x और 15 - x ये हो जाएगा और बराबर में 9/2 ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x और प्लस ये कट जाएगा और 15 × 2 = 30 आ जाएगा, यानी 30 रहेगा और बटे में ऊपर 30 हो गया, इनकी गुणा करा लो, 15 × 15 से ये हो जाएगी 225 और 15 × x से कराओगे माइनस का 15 x और इसी तरीके से x की गुणा कराओगे 15 से तो 15 x आ जाएगा, x की x से कराओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा और बराबर में 9/2। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 15 x प्लस का और ये 15 x माइनस का है ना, तो ये आपके लिए कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 15 x से 15 x कैंसिल हो गया, बचा आपके लिए 30 और गुणे में 30 बटे में क्या बचा आपके लिए 225 माइनस एक्स स्क्वायर यानी माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 225 ये बचा और बराबर में 9/2 ये बचा है ठीक है ना। तो यहाँ पर 30 की गुणा 30 से करा दीजिए आप, 30 × 9 यानी 3 × 9 और 900 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस का 225 बराबर में 9/2। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, तो इस तरीके से गुणा कर दीजिए, 9 की गुणा यहाँ पर आप देख सकते हैं आ जाएगी 9 × -x² प्लस का 225 और बराबर में 2 × 900 है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 9 की गुणा कर देंगे माइनस का 9 x² और यहाँ पर आपके लिए प्लस का हो जाएगा 225 के 9 से गुणा कराएंगे, 9 × 5 = 45 का 5 हासिल लगा 4 और 9 × 2 = 18 18 × 4 = 22 हासिल लगाए आपके लिए 2 और 9 × 2 = 18 और 19 = 20 तो यहाँ पर 20 आ गया, 20 25 आ गया ठीक है ना।
20-25 आ गया और बराबर में आपके लिए ये है 9 × 2 = 1800, ये 1800 आ गया। अब सिंपली आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर आपके लिए इसको सिंपली माइनस से गुणा कर दीजिए तो 9x² बचेगा प्लस का 20-25, और 20-25 के बाद यहाँ पर आपके लिए माइनस से गुणा कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 20-25 बराबर में 1800, ठीक है ये आ गया। अब सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके लिए आ गया 225 करके, तो यहाँ पर समीकरण बन जाएगी आपके लिए 9x² माइनस का 20-25, और यहाँ पर आपके लिए क्या है सिंपली x² आपके लिए बनाइए, यहाँ पर c का मान नहीं है तो यहाँ पर 20-25 और बराबर में 1800, ठीक है। अब ये हो गया, अब आप 9x² बराबर लिख लीजिए, ये 1800 को जोड़ लीजिए 20-25 से, तो 20-25 को मैंने जोड़ लिया 5, 2, 8, 3, 38, 25, यानी 9x² बराबर 38, 25 आ गया, और यहाँ पर x² बराबर 38, 25 और बटे में 9, ये हो गया। अब आप सिंपली इसको यहाँ पर रूट में लगा दीजिए तो x बराबर हो जाएगा 38, 25 और बटे में 9, 9 से यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा, 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, रूट 38, 25 आप लिख करके 38, 25, ठीक है, और बटे में 3, यानी x का मान लगभग इसमें जो आंसर आपके लिए आएगा वो 2.5 किलोमीटर, यानी x का मान 2.5 किलोमीटर पर आवर से ये चलेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी डिस्टेंस यानी चाल आ जाएगी नाव की, जो कि आपके लिए 30 घंटे जाने में और 30 घंटे आने में लगेगी। तो ये प्रश्न आपका था, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि मैंने आपके लिए सॉल्व करके बताया। देखिए बच्चों यहाँ पर अब आपके लिए तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है हम आपके लिए बताते हैं, और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीसरा। कह रहे हैं कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अब मान के चलिए आप दो मित्र मान लीजिए, दो मित्र x है और y, एक x और y दो मित्र मान लिए हैं, इनका आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ x प्लस y बराबर 20 वर्ष, ही हमने मान लिया समीकरण नंबर एक कर ली, ठीक है, x प्लस y बराबर 20 मान लिया, क्यों, क्योंकि दोनों की जो आयु यानी एज का जो योग है वो 20 वर्ष है। फिर आपके लिए बताया गया है कि तथा 4 वर्ष पहले उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पहले, तो आप लिखेंगे 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले अगर पहले की आयु निकालेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, और दूसरी की भी निकालेंगे तो y माइनस 4 हो जाएगा, तो ये पहले वाले के लिए हो गई, ये दूसरे वाले के लिए हो गई। इनका जो गुणनफल है यानी x माइनस 4 और y माइनस 4, इनकी जो आयु का गुणनफल है वो 48 हो जाता है, कितना हो जाता है 48 हो जाता है। तो क्या ये संभव है स्थिति वर्तमान आयु निकालने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए x प्लस वाई बराबर इनका जो सम दिया गया है वो 20 दिया गया, और यहाँ पर दोनों वेरिएबल हैं, तो यहाँ पर एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकालो तो 20 माइनस वाई हो जाएगा, तो ये 20 माइनस वाई x की जगह पर डाल देते हैं, तो 20 माइनस वाई माइनस 4 और वाई माइनस 4 बराबर में 48, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए आ जाएगा 20 माइनस का 20 माइनस बाई आया और माइनस का यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो 20 और 4, 20 में से ये 4 चला जाएगा क्योंकि माइनस का है, तो यहाँ पर 20 में से 4 चला जाएगा, आपके लिए बचेगा 16 प्लस का 16 माइनस बाई बचेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 16 माइनस बाई बच गया और इंटू में वाई माइनस 4 और बराबर में 48 है। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 16 की बाई से 16 बाई और 16 की 4 से करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4×6 = 24 का 4 और 2 और 4×1 = 4 और 2×6 = 64 हो जाएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर देखें माइनस का ही रहेगा क्योंकि प्लस का ये 16y हो गया और माइनस का 16×6 = 64 हो गया, यहाँ पर माइनस की y से गुणा कराएंगे तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर से ये 4 की कराएंगे यहाँ पर y की माइनस 4 से कराएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4y और बराबर में आपके लिए 48 आ जाएगा, क्लियर है। अब देखें यहाँ पर ये 16y है और ये 4y है, तो 16y और 4y जुड़ जाएंगे, तो माइनस का y स्क्वायर पहले ही लिख लो और 16 और ये 4 आपके लिए जुड़ जाएगा, तो ये आपके लिए 20y हो जाएगा और 20y हो जाएगा और माइनस का 64 है उधर भेज देंगे तो 48 और ये प्लस का 64 ये हो जाएगा, यानी माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस का 20y और प्लस का 20y और बराबर में ये आपके लिए हो जाएगा, जुड़ जाएगा 8×4 = 12 का यहाँ पर 2 हाथ से लगा 1, 6×4 = 10 और 11 = 112 हो गया।
यानी माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 20 वाई और ये माइनस का 112 इधर ले आइए, बराबर में जीरो हो गया। आप सिंपली माइनस से गुणा करा दीजिए पूरी समीकरण को, तो वाई स्क्वायर माइनस का 20 वाई प्लस का 112 यहां पर और बराबर में जीरो। अब यह चेक करेंगे कि क्या यह समीकरण पॉसिबल हो सकती है, तो चेक करते हैं। देखिए यहां पर ए की जगह पर 1 है, बी की जगह पर माइनस 20 है और सी की जगह पर 112 है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करेंगे तो बी स्क्वायर यानी माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 1 है इंटू सी का मान 112, ये हो गया। अब देखिए 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 400 आ जाएगा और माइनस का यहाँ पर 4 से गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, ये 448 आ गया। अब देखिए आप यहाँ पर सॉल्व करके देख लीजिए कि 448 में से यहाँ पर 400 चला जाएगा तो बचेगा आपके लिए कितना, 48 बचेगा और वो भी माइनस का। अगर माइनस का 48 बचा यानी डी का मान जो है वो लेस देन जीरो हो गया, अगर d का मान लेस देन जीरो हो गया बेटा तो यहाँ पर इसका मतलब है इसके मूल काल्पनिक होंगे, यानी यह संभव नहीं है, मूल काल्पनिक होंगे। और अगर मूल काल्पनिक होंगे तो यह स्थिति संभव नहीं है, आप लिख सकते हो तो यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तब यह स्थिति संभव नहीं होगी। क्यों नहीं संभव होगी, इसलिए संभव नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर d का मान छोटा आ गया है यानी निगेटिव आ गया है, तो इसलिए यह कंडीशन सॉल्व नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपके लिए हमने अति लघुत्तर प्रश्न करा दिए हैं, वो भी तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिए हैं और बाकी आपके लिए और भी कराएंगे। देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपके लिए लघुत्तर प्रश्न शुरू हो चुके हैं। लघुत्तर प्रश्न का चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न यहाँ पर क्या है हम आपके लिए बताते हैं। तो यहाँ पर चौथा प्रश्न देखेंगे, लिखा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। देखिए क्या है, पार्क अगर बनाओगे आप, पार्क को बनाना संभव है यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है ना, और एक पार्क को बनाना संभव है, तो यहाँ पर पार्क कैसा हो सकता है हम आपके लिए बताते हैं। पार्क अगर लंबाई और चौड़ाई वाला है, दोनों बात हो हैं, तो यहां पर एक आयत बना देते हैं लंबाई और चौड़ाई का इस तरीके से। अब कह रहे हैं कि परिमाप 80 है, तो यहां पर आप बताइए परिमाप बराबर क्या है। परिमाप बराबर होता है यहां पर आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आपके लिए। तो यहां पर आपके लिए क्या करना है, परिमाप दिया गया, कितना दिया गया 80 मीटर, तो 80 मीटर लिख लिया, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये एल प्लस बी लिख सकते हैं, 80 बटे में यहां पर 2 आ जाएगा और बराबर में हो जाएगा एल प्लस बी, 2 से काट देंगे ये 40 आ जाएगा, यानी 40 बराबर एल प्लस बी, ये हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 इसको मान ले रहे हैं। इसके बाद क्षेत्रफल है 400 मीटर स्क्वायर, तो यहां पर क्षेत्रफल क्या होता है यहां पर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल आपके लिए दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर, जो 400 बराबर एल गुणे बी। एक मान यहां पर निकाल लेंगे, कौन सा मान निकाल लेंगे, देखिए यहां पर बी का मान निकाल लो, बी बराबर हो सकता है 400 बटे में एल, समीकरण नंबर 2। अब इस बी का मान यहां पर रख दीजिए समीकरण नंबर 1 में, तो हम लिखेंगे बी का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे b का मान, तो यहां पर आपके लिए दिया गया l प्लस बी बराबर 40, तो यहां पर b का मान रख देंगे 400 बटे में l बराबर 40। सॉल्व कर लेंगे सिंपली इसके लिए, l की गुणा l से करेंगे, l स्क्वायर प्लस 400 और बटे में फिर से l आ जाएगा बराबर में 40, तो यहां पर हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 400 बराबर में 40 एल हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब यह समीकरण हमारे बन के आ जाएगी एल स्क्वायर 40 एल को इधर ले लो, माइनस का 40 एल प्लस का 400 और बराबर में जीरो। अब यह एक द्विघात समीकरण बन के आ गई, इसको जरा सॉल्व करते हैं और पता करते हैं क्या यह संभव है। तो यहां पर आप देखिए डी बराबर निकालना पड़ेगा हमें, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान है 40 है यानी माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 1 इंटू सी का मान है 400। अब सिंपली आपके लिए 0, ठीक है 0, तो यहां पर आपके लिए चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव। 4 का करेंगे तो 4 चक्के 16 और ये डबल 0 माइनस का, यहां पर 4 चक्के 16 और डबल 0,
तो यहाँ पर 1600 माइनस ये आपके लिए जीरो आ जाएगा। इसका मतलब अगर जीरो आ गया तो मूल समान होंगे, जीरो आ गया अगर डी का मान जीरो आ गया तो मूल समान होंगे, मूल समान होंगे, ठीक है ना। और अगर मूल समान होंगे तो आपके लिए मान भी निकाला जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पर मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो मूल जब समान होगा तो इसके मूल से ही हम आपके लिए वैल्यू लेंथ भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने ये चेक कर लिया, अब माइनस का बी होता है प्लस माइनस करके निकालेंगे, तो माइनस का बी यानी माइनस माइनस 40 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी 40, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान रख देंगे यहाँ पर अपॉन में 2a, ठीक है। 2 इंटू ए का मान यहाँ पर आ जाएगा 1, तो प्लस का 40 हो जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, ये जीरो है, तो आपके लिए जीरो कर लेंगे और बटे में आ जाएगा 2, तो 40 बटे 2 हो जाएगा, 2 से यहाँ पर कट जाएगा यानी 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए एल का मान देखिए 20 आ गया, यानी एल का मान अगर 20 आ गया तो इसी हिसाब से अगर हम और भी चीजें विड्थ भी निकाल लेंगे तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, एल प्लस बी का मान 40 है, एल प्लस बी का मान 40 है, तो इसी हिसाब से यहाँ पर आप वी का मान निकाल सकते हैं। तो एल का मान 20 है, आप रख दीजिए 20 प्लस बी बराबर 40, तो बी बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20, तो बी बराबर हो जाएगा आपके लिए 20। देखिए यहाँ पर आपके लिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दिया है, जो कि यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न था, ठीक है ना। और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आप यहाँ पर सीख रहे हो, लघु उत्तरीय प्रश्न चल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए पांचवा प्रश्न करा रहे हैं, पांचवा प्रश्न ये है कि यदि एक किताब का मूल्य 5 रुपए कम कर दिया जाए तो एक व्यक्ति 300 में 5 किताब अधिक खरीद सकता है और 7 किताबों का वास्तविक सूचे मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ कि कोई एक व्यक्ति है वो 300 रुपये खर्च कर रहा है, 300 रुपये यानी खर्च करता है उसमें पूरा, तो 300 रुपये जब खर्च कर रहा है और किताबों का कोई वो मालूम नहीं है कि कितनी किताबें खरीद रहा है, लेकिन ये मालूम है कि अगर 5 रुपये मूल्य कम कर दिया जाता है तो वो 5 अधिक किताबें खरीद सकता है, तो हमें किताबों की संख्या माननी पड़ेगी। तो यहाँ पर मानेंगे किताबों की संख्या, किताबों की संख्या, तो किताबों की यहाँ पर संख्या मान लेंगे, वो हमने मान ली यहाँ पर एक्स। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स किताबें खरीदता है तो इस हिसाब से यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक्स किताबें खरीद ली यानी 300 रुपये में एक्स किताबें, 300 रुपये में एक्स किताबें खरीदता है। अगर एक किताब निकालोगे तो एक किताब का मूल्य आप लिखेंगे, एक किताब का मूल्य आ जाएगा 300 बटे में एक्स, ये आ जाएगा 300 बटे में एक्स आ जाएगा एक किताब का मूल्य। अब आपके लिए सिंपली क्या करना है, जब एक किताब का मूल्य 300 बटे एक्स हो गया तो 5 रुपये कम कर दिया जाता है मूल्य, तो 5 रुपये कम करने पर लिखेंगे, 5 रुपये मूल्य कम करने पर, कम करने पर 5 रुपये मूल्य कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 बटे में एक्स और माइनस का 5, मूल्य कम कर दिया, एक किताब में 5 का मूल्य कम कर दिया और तब हम 5 किताबें अधिक खरीद सकते हैं, यानी अभी हम किताबें एक्स खरीद पा रहे थे, अब हम 5 ज्यादा खरीद सकते हैं, यानी अब 5 अधिक किताबें खरीद सकते हैं, किताबें खरीद सकते हैं, ठीक है ना, 5 किताबें अधिक खरीद सकते हैं। तो 5 किताबें अधिक खरीदने का मतलब एक्स प्लस 5, ये हो गया। अब सिंपली इनका जो प्रोडक्ट है वो 300 में ही खरीद रहे हैं, तो देखिए 300 बटे में एक्स माइनस 5, इसका जो कॉस्ट था वो एक्स प्लस 5 से इनकी किताबें को गुणा कर जाएगा बराबर में 300। अब सॉल्व कर लेंगे, 300 बटे एक्स और गुणा एक्स, ये हो गया, इसकी गुणा एक्स से हो गई, 5 से भी होगी, तो प्लस का 300 बटे एक्स गुणे 5, ये हो गया, माइनस 5 की होगी, माइनस का 5x और 5 की गुणा 5 से होगी 25, और बराबर में हो गया आपके लिए 300। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 300 प्लस यहाँ पर 5 थी 1500 हो जाएगा, 1500 बटे में x और माइनस का 5x माइनस का 25 बराबर में 300। देखिए 300 यहाँ पर प्लस का है, इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 300 माइनस 300, ये 300 इधर ले आए और प्लस का 1500 और बटे में एक्स माइनस का 5x माइनस का 25 बराबर में इधर बचा 0। देखिए 300 से 300 कैंसिल हो जाएगा,
तो बच्चा हमारे पास 1500 बटे में x माइनस का 5, x माइनस का 25 बराबर में 0। अब और भी आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 1500 बटे एक्स से तिरछी गुणा कर देंगे तो 1500 माइनस का 5 से गुणा करेंगे, 5x² हो जाएगा। और इसी तरीके से x भी नीचे आ जाएगा और माइनस का 25 है वो उधर भेज दो, 25 प्लस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके लिए हो गया 1500 माइनस 5x² बटे में x बराबर 25, तो यहाँ पर हो जाएगा 1500 माइनस 5x², 25 की गुणा x हो जाएगी तो हो जाएगा 25x। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5x² और 25x इधर आ जाएगा, माइनस का 25x और प्लस का 1500 और बराबर में 0। अब माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5x² प्लस का 25x और माइनस का 1500 और बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पर 5 से भाग भी करा देते हैं तो x² बचेगा प्लस का 25, तो 5x आ जाएगा और माइनस का 5 3 15 ये 300 बराबर में 0, ये आ गया। अब सिंपली आपसे यहाँ पर 5 सूचियों का, 5 पुस्तकों का मूल्य निकालना है तो यहाँ पर x का मान भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, बिल्कुल कैसे निकालेंगे, श्रीधराचार्य विधि से। a का मान 1 है तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का b यानी माइनस का 5 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और माइनस 4ac, 4 इंटू a का मान है 1 इंटू c का मान है माइनस का 300 और बटे में होता है 2a, 2 इंटू a का मान है 1। तो माइनस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 5 का वर्ग 25 और ये प्लस का हो जाएगा 4 से 3 चार तीन 12, 1200 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 2। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1200 और ये 1225 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा आपके लिए 2। तो 1225 का वर्गमूल निकाल लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर 3 × 3 9 होता है, 3 × 3 9 कर लो और 12 में से 9 गया आपके लिए 3 बचेगा और ये 325 हो जाएगा, 3 × 3 6। 5 नंबर डाल देंगे यहाँ पर, 25 का 5 ऐसे लगा दो, 5 का 30 और 2 32, ये कट गया यानी इसका 35 आ गया। तो माइनस का 5 प्लस माइनस 35 बटे में 2। अब आप इसको सिंपली एक बार जोड़ लो तो माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ प्लस 35 बटे 2 कर लो, 35 में से 5 गया 30 बचा और बटे में 2, 2 से काट दीजिए 2 से 15 बार में ये यहाँ पर कैंसिल हो गया यानी एक्स का मान आ गया यहाँ पर 15। कितना आ गया 15, यानी एक जो यहाँ पर जो पुस्तकों का मूल्य है यहाँ पर 15 है यानी x का मान अगर 15 आ गया है तो इस हिसाब से यहाँ पर मान के चलिए कि जो x का मान 15 है वो किताबों की संख्या है। अगर 15 किताबें कितने की आ रही हैं, 300 की आ रही हैं, तो एक किताब का मूल्य हो जाएगा 300 बटे में 15, 15 × 30 यानी 20। तो एक किताब का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 20 रुपये। एक किताब का मूल्य 20 रुपये होगा और आपके लिए 5 किताबों का मूल्य निकालना है, कितने भी किताबों का मूल्य निकालना है निकाल सकते हो। अगर 5 का निकालना है तो 5 किताब बराबर हो जाएंगी 20 × 5, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके लिए 100 मूल्य, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने किया और सॉल्व किया। यहाँ पर हमने पूरी तरीके से यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पर आप ये सवाल इसको कर सकते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे।